हेलो नमस्कार दोस्तों, 20 अप्रैल 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करें। आज का सबसे पहला जो आर्टिकल आया है वह है बीसीसीआई के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि भाई बीसीसीआई है उसको एक्चुअली अभी आरटीआई के एक्ट में लाया जाए, इसके बारे में अभी जो प्रावधान है, जो रिकमेंडेशन वगैरह है वो, उसके बारे में आर्टिकल यहाँ पे आया है। तो देखो हम थोड़ा देख लेते हैं मैनली बैकग्राउंड वगैरह के साथ ही, ताकि थोड़ा सीन समझ में आ जाए। वैसे आपको इसके नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, बस दो तीन पॉइंट आप यहाँ देख लेना, मतलब स्टोरी के फॉर्म में। कि जब आईपीएल स्कैंडल हुआ था 2013 के टाइम पे, तो उस टाइम पे ये चीज़ सामने आई थी कि भाई बीसीसीआई में काफ़ी धांधलेबाजी होती है, काफ़ी करप्शन वगैरह हो रहा है। तो उस टाइम पे बात ही हुई कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया कि देखो जो बीसीसीआई है वो इंडिया का फ्लैग वगैरह यूज़ करती है, उसको काफ़ी टैक्सेस वगैरह में छूट होती है, इसलिए उसके ऊपर उसको आरटीआई एक्ट वगैरह में लाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया, लोधा कमेटी बनाई, और लोधा कमेटी ने बोला कि लोधा कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी और उसमें कहा कि भाई जो बीसीसीआई है वो आरटीआई के एक्ट में आनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने रिकमेंडेशन वगैरह अपनी दे दी, मतलब हाँ के पक्ष में उन्होंने बात कह दी। अब इसके बाद ये मामला भेजा गया लॉ कमीशन के पास कि लोधा कमेटी ने बोला लॉ कमीशन को कि भाई आप भी बताइए। तो लॉ कमीशन ने अब कह दिया कि देखो हाँ भाई बीसीसीआई है वो आरटीआई के दायरे में आनी चाहिए। तो ये सारी सीन है जो बैकग्राउंड हमने देख लिया। अब देखो बात ऐसी है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई आरटीआई एक्ट में नहीं आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा कहना है जो तरह का वो पीछे ये दे रहे हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक ये कहा था कि भाई जो बीसीसीआई है ना वो एक्चुअली आर्टिकल 12 के तहत नहीं आती है। ये कुछ टाइम पहले 2005 के आसपास की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 12 के तहत बीसीसीआई है उसमें नहीं आती। आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन है, जो पंचायत वगैरह इनकी डेफिनेशन वगैरह है वो प्रोवाइड करवाता है। तो उसके तहत ही कहा गया था कि भाई ये बीसीसीआई का मतलब है वो आर्टिकल 12 की तरह डिफाइंड है, वो नहीं हो रहा है। तो ये सारा सीन था। इसके बाद में कुछ लोग तर्क भी दे रहे हैं कि नहीं भाई बीसीसीआई को आरटीआई एक्ट में आना चाहिए, क्यों आना चाहिए। इसके पीछे एक रीजन तो ये दे जाता है कि देखो बीसीसीआई है उसको गवर्नमेंट डायरेक्ट तो फंडिंग नहीं दे रही है, बट उसको इनडायरेक्टली काफ़ी तरीके के सपोर्ट है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी जो सरकार है उसके द्वारा दिए जाते हैं। जैसे कि उसको इनकम टैक्स में छूट दी जाती है, इंडिया का फ्लैग को यूज कर रही है, इसके साथ इसको लैंड वगैरह काफी सस्ती मात्रा में दिया जाता है, टिकट वगैरह होती है जब मैच वगैरह होते हैं तो उस टाइम पे प्रशासन है एक तरीके से वो अरेंज किया जाता है, सिक्योरिटी वगैरह अरेंज करना, तो वो सारे काम गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली तो काफी छूट मिल ही रही है ना, इसलिए बीसीसीआई को भी आरटीआई के दायरे में लाने की बात है। इसके बाद में लास्ट में कहा जा रहा है कि देखो बीसीसीआई को अगर आरटीआई के दायरे में लाया जा रहा है तो ऑटोनॉमी का तो पता है नहीं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, बट ये चीज़ जरूर हो जाएगी कि बीसीसीआई की अकाउंटेबिलिटी है वो भी सिक्योर हो जाएगी। इसके साथ ही बीसीसीआई में जो ट्रांसपेरेंसी है, जो धांधलीबाजी होती है, उससे भी निजात मिल जाएगी, मतलब बीसीसीआई में पारदर्शिता है वो बढ़ेगी। तो ये दो काम तो जरूर हो जाएंगे। तो ये राइटर का ऐसा कहना है कि बीसीसीआई के जो भी पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे टोटल डिस्कस किए हैं। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में, 2009 का जो एक्ट था उसके बारे में। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे प्रीलिम्स के नजरिए पॉइंट बता देता हूँ कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको एक्चुअली फ्री एजुकेशन या उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की बात है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पे चाइल्ड की एज वो है 14, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 6 से 14 साल की एज है। जैसे कि जो पोस्को एक्ट है उसमें जो चाइल्ड की एज है वो है 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को उसमें चाइल्ड की लिस्ट में काउंट हो किया जाता है। तो इस तरीके से यूपीएससी मतलब पूछ सकती है, तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। अब देखो बात ऐसी है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट था उसका सेक्शन 12 है, उसका फर्स्ट सी है, उसने एक्चुअली ये प्रावधान किया गया कि भाई हमारे देश के जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट वगैरह हैं उनको एक्चुअली 25% सीट है ना वो गरीबों के लिए रखनी होगी, मतलब गरीबों के लिए रिजर्व है वो रखनी होगी। अब उन 25% सीटों का भाई पैसा कौन देगा, अब ये तो यानी कि प्राइवेट स्कूल अपनी पॉकेट से पैसा देने वाले हैं उनके, तो वो जो 25% सीटों का पैसा है वो देगा स्टेट। अब स्टेट को पैसा कौन देगा, स्टेट को देगा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या कुछ पैसा स्टेट देगी। सीधी सी बात यह है कि स्कूल वालों को पैसा या तो स्टेट देगा या सेंट्रल देगी, मतलब किसी ने इन दोनों में से किसी को पैसा है वो देना है। तो इसमें मैंने ये प्रावधान किया गया था कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट को पैसा देगी, फिर स्टेट है वो पैसा स्कूल वगैरह को प्रोवाइड करेगा। अब हो क्या रहा है, राइटर ये कह रहे हैं कि देखो ये जो आरटी एक्ट आया था इसको अभी तक प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट वो नहीं किया गया। क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया गया, क्योंकि इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये बताया जा रहा है कि देखो जो 25% सीटें रखी गई इतना गरीब बच्चों के लिए आरक्षित, इन सीटों में इश्यू ये हो रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पर चाइल्ड की जो कॉस्ट है ना तो वो डिसाइड कर पाई अभी तक, इतने साल हो गए हैं। इसके साथ ही दूसरा रीजन ये है कि स्टेट ने एक्चुअली जो जितने पैसे दिए हैं कुछ स्कूल वालों को वो बहुत कम दिया, मतलब जितनी फीस वगैरह है उससे कम पैसा दिया है। और कई बार ये इश्यू आ जाता है कि भाई स्कूल वो केवल ओनली फीस देगी। अब आपको पता है कि मैनली स्कूल में केवल फीस के अलावा और भी बेसिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स फीस के नाम से वो पैसे ले लेते हैं, जबकि ये कुछ मतलब जो कॉलेज सॉरी जो स्कूल्स हैं उनका ऐसा कहना है कि भाई हमें स्कूल फीस भी दीजिए, हमें ट्यूशन फीस वगैरह जो बाकी सारी फीसेज हैं, बाकी सारी फीस होगी, जैसे कि आप लिख सकते हो
कि स्पोर्ट्स की फीस होगी, इसके साथ में ट्यूशन फीस होगी, इसके साथ में जो बस किराया वगैरह वो सारी जो फीस वगैरह उसको इंक्लूड करने की बात की जा रही है। जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि भाई देखो हम तो केवल आपको ट्यूशन फीस वगैरह ही देंगे, तो उससे काफ़ी बड़ा थोड़ा मतलब एक बात यह कि यहाँ पे काफ़ी असंदिग्धता वो आ रही है, मतलब एक दोनों के बीच में तालमेल वो नहीं बैठ पा रहा है, ये सारा इशू सामने आ रहा है। तो राइटर का देखो ये कहना है कि देखो हमारे देश में ये बात तो एक ही जा रही थी कि भाई आरटी के तहत हर बच्चों को एजुकेशन वो दी जाएगी, बट यहाँ पे ये सामने आ रही है कि भाई बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत दायरे में लाई नहीं जा रहा है। क्यों नहीं लाया जा रहा है? क्योंकि ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर रूल बना रही है और ना ही स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे सामने ये भी आ रही है कि एक तो देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो स्टेट को पैसा दे ही नहीं रही है कि भाई आप पैसा वगैरह दीजिए, और एक चीज़ सामने ये आ रही है कि कुछ जो इंडिया के जो मतलब स्टेट वगैरह जैसे कि गोवा वगैरह हुआ, फिर महाराष्ट्र, कुछ स्टेट ऐसे जिन्होंने तो एक्चुअली प्रॉपर लॉ वगैरह भी नहीं बनाए कि कितनी तो फीस देनी है, कितने क्या देने हैं। मतलब क्या है कि इस चीज के प्रति कोई भी एक तरीके से एक्टिव है नहीं। सब लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है चल रहा है चलने तो जैसा भी है देखेंगे बाद में। मतलब यहाँ पे कि स्टेट अपनी अकाउंटेबिलिटी से पीछे भाग रहे हैं। इसके बाद में देखो बात ऐसी है कि आरटी का जो मोटो था, जो ऑब्जेक्टिव था ना कि भाई इसलिए सभी बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सफल नहीं होता दिख रहा है। क्योंकि इतने साल हो गए हैं, अभी तक देखा जाए तो सामने गवर्नमेंट को 10 साल होने को आए हैं, बट इसके बाद भी ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन ले पाई है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्शन यहाँ पे ले पाई है। स्टेट तो पैसा दे नहीं रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि स्टेट का यह कहना होता है कि भाई हमें सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा ही नहीं देती है। तो जब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा ही नहीं दे रही तो हम जो स्कूल वालों को पैसा कहाँ से दें? आपको पता है कि स्कूल वाले फ्री में तो पढ़ाएंगे नहीं, उनको तो पैसा चाहिए कहीं ना कहीं से। तो इसीलिए इस जो रूल था इसको प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट हो नहीं किया जा रहा है। इसके बाद में बात ये आती है कि देखो हमारे देश का जो DPSPF कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट्स के, उसमें भी ये चीज़ सामने आई है, क्लियर आपको पता है कि भाई एजुकेशन है वो सबका मेन अधिकार है, एजुकेशन भी सबको मिलनी चाहिए। इसका फंडामेंटल राइट में भी ये बात की गई है कि एजुकेशन है वो सबके लिए कंपलसरी है, एजुकेशन गवर्नमेंट ने देने के वादे भी किए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये बात सामने आ रही है कि देखो हमने एक प्रावधान तो कर दिए कि भाई एजुकेशन जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, बट उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम ना तो कोई पॉलिसी बना रहे हैं प्रॉपर ढंग से, और जो पॉलिसी बनी है ना उनको भी हम प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। एक तो जैसी पॉलिसी बनी हुई है उनको ना तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और नए तो बनाने की बात ही छोड़ो। इसके बाद में राइटर का कहना है कि देखो हमारे देश में जो डेमोक्रेसी की बात है वो तब जो डेमोक्रेसी का जो प्रॉपर सपना वो तभी साकार हो पाएगा जब जनता एजुकेटेड होगी, और जनता एजुकेटेड कब होगी? जब लोगों को एजुकेशन मिलेगी। तो जब एजुकेशन ही नहीं दी जा रही है तो जो हमारे लोकतंत्र का जो सपना वो कहीं ना कहीं अधूरा रह सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे स्टेप उठाना चाहिए। और अब राइटर का ऐसा कहना है बाद में कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कोई ना कोई सोल्यूशन उठाना चाहिए, या तो फिर जो सभी स्टेट्स हैं इनके मिनिस्टर्स को, एजुकेशन मिनिस्टर को बुलाना चाहिए, एक मीटिंग करनी चाहिए। इसके बाद उसमें क्लियर प्रावधान रखने चाहिए कि भाई देखो आपको एक टाइम लिमिट दी जा रही है, इस टाइम लिमिट में आपको प्रॉपर एक्ट वगैरह बनाने हैं और इस एक्ट को प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट करना है ताकि हमारे देश के जो भी वादे सपने हैं लोगों के वो पूरे किए जा सकें। तो ये कंप्लीट आर्टिकल है राइट टू एजुकेशन के बारे में, काफी अच्छे इसमें पॉइंट है, उनका आप कहीं ना कहीं यूज है वो कर सकते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एक्चुअली आज आपको पता है फ्राइडे है, तो एक आर्टिकल आता है जिसमें यस नो के बैलेंस के पॉइंट आते हैं। तो आज का मुद्दा उसमें ये है कि भाई जो हमारे देश में मिलिट्री है इसके ऊपर जो जितना खर्चा हो रहा है, मिलिट्री स्पेंडिंग हो रही है, उसको बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले एक महाशय कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल मिलिट्री के ऊपर जो खर्चा हो रहा है उसको और बढ़ाने की जरूरत है। क्यों बढ़ाने की जरूरत है? इनका ये कहना है कि देखो इकोनॉमी तो हर कंट्री के लिए जरूरी है, नो डाउट, बट इकोनॉमी हर कंट्री के लिए जरूरी तभी होगी जब देश की बाउंड्री वो सिक्योर हो। तो सबसे पहले तो हमें लोगों की सिक्योरिटी वो प्रोवाइड कराना होगा, और जनता की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सिक्योर तभी हो पाएगी जब लोगों को सिक्योरिटी वो मिलेगी। तो इसलिए बात ऐसी है कि सिक्योरिटी के लिए जो खर्चा वो काफ़ी मतलब सिक्योरिटी पर जो खर्चा है वो बढ़ाना होगा। तब देखो यहाँ पे राइटर फिर ये बता रहे हैं कि सिक्योरिटी मतलब दो तरीके की होते हैं, मतलब हमारे देश में सिक्योरिटी के खतरे दो तरीके के हैं, एक तो होगी एक्सटर्नल थ्रेट हो गया और एक होगा इंटरनल थ्रेट। एक्सटर्नल थ्रेट क्या हो गया? पाकिस्तान का डेली हमला करना, चाइना का डेली डोकलाम जैसा विवाद वगैरह वो ले सकते हो। इंटरनल में जम्मू एंड कश्मीर ले सकते हो, नक्सलवाद के जो पॉइंट है वो, मतलब इंडिया इन दोनों ही थ्रेट से गुजर रहा है। और आपको पता है कि जब ऐसे माहौल काफ़ी आसान तो ऐसे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात तो अधूरी रह जाती है। मतलब अगर एक साइड तो हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और एक साइड हमारे खुद ही हम एक तरह से आतंकवाद या फिर जो इंटरनल थ्रेट्स हैं इनसे जूझ रहे हैं, तो इनकी तरफ हमें कोई ना कोई स्टेप उठाना होगा। फिर राइटर कैसा करना है कि देखो इस बार का जो मतलब मिलिट्री स्पेंडिंग का जो खर्चा था वो एक्चुअली हमारी जीडीपी का 1.4% था, इसको एक्चुअली बढ़ाने की जरूरत है, ऐसा राइटर कह रहे हैं। इसके बाद में क्यों बढ़ाने की जरूरत है? इनका एक पॉइंट ये दिया जा रहा है कि देखो एक तो हमारे पास जो वेपन्स हैं ना वो काफ़ी पुराने हो गए हैं। अभी एक चीज़ सामने आई थी कुछ सर्वे के अकॉर्डिंग, इवन डिफेंस मिनिस्टर ने ये चीज़ बताई थी कि देखो हमारे पास जो वेपन्स हैं ना वो 68% वेपन्स हैं वो तो काफ़ी पुराने हैं, मतलब पुरानी तकनीक के वेपन्स हैं, आज के टाइम पे वो रिलेवेंट नहीं है। मतलब आज के टाइम पे अगर इंडिया की लड़ाई हो रही है किसी कंट्री के साथ तो 68% हथियार तो ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने हो गए
गए उनकी आज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब उन हथियार को यूज करना इंडिया के लिए नुकसान ही साबित होने वाला है। इसके साथ ही अहम बात क्या आ गई, मतलब साफ बात यह कि जो इंडिया की मिलिट्री के जो वेपन्स हैं उनको मॉडर्नाइज करना होगा। अब आपको पता है कि अगर वेपन्स को मॉडर्नाइज करना है तो ऑब्वियसली खर्चा करना होगा, तो इसलिए खर्चा बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा इनका ये कहना है एक साथ साथ में प्लस पॉइंट कि देखो भाई खर्चा तो बढ़ाने की जरूरत है ही है, पर इसके अलावा हम और भी कुछ काम कर सकते हैं। कौन कौन से काम, एक तो हमें जो ट्रेनिंग है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, इसके साथ ही जो पॉलिसीज हैं जो ट्रेनिंग वगैरह की या फिर और भी जो पॉलिसीज होगी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड उनमें एक्चुअली हमें जो बदलाव लाना होगा, क्योंकि उनमें भी काफ़ी कुछ खामी है, वो भी एक्ट वगैरह काफ़ी पुराने हैं तो उनमें भी हमें चेंजेज वगैरह करने होंगे। इसके बाद में एक रीजन इनका ये दिया जा रहा है कि देखो हमारे देश का जो डिफेंस सेक्टर है ना इसमें मिसमैनेजमेंट या मैनेजमेंट बहुत खराब है, मतलब मिसमैनेजमेंट हो रखा है, मैनेजमेंट इतना खराब चुका है, करप्शन पे करप्शन आ रहे हैं। हमने देखा था कि सके बोफार्स घोटाले, मतलब एक के बाद एक बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, वो तो तब आ रहे हैं जब मीडिया का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो मतलब एक चीज सामने ये प्रूव हो रही है, दिखता है हमें, दिख रही है एक तरीके से क्लियर कि भाई जो मिलिट्री के अंदर भी करप्शन है वो कम नहीं है, मतलब धांधलेबाजी या गफलेबाजी है वो पीक पॉइंट पे पहुंच चुकी है, तो उसको हमें दूर करना होगा क्योंकि आधा पैसा तो इन्हीं में वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हमें गफलेबाजी को धांधलेबाजी को कम कर देंगे तो जो पैसा बचेगा उसको हम प्रॉपर ढंग से यूज है वो कर सकते हैं। इसके बाद में नो के पक्ष में क्या पॉइंट आते हैं, नो वाले भाई साहब का ऐसा कहना है कि देखो बात ऐसी है मिलिट्री पे खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने एग्जांपल दिया है मेनली स्वीडन और रशिया का कि स्वीडन की इकोनॉमी वो बहुत कम है और जबकि देखा जाए तो रशिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, बट फिर भी स्वीडन है और अगर देखा जाए तो रशिया के बीच में तो मतलब एक दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उनका स्वीडन के बारे में पॉइंट ही दिया जाता है कि भाई देखो उनकी प्लानिंग और उनका जो डिसिप्लिन है ना वो बहुत अच्छा है, मतलब सीधी सी बात है कि जो पैसा मिल रहा है ना अभी हमारे देश के डिफेंस सेक्टर को वो पैसा ही उनको प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज करना चाहिए। अगर जो मिसमैनेजमेंट है उसको ठीक कर लेंगे या फिर जो गफले वगैरह है उनको ठीक कर लेंगे तो सारी समस्याओं की जो जड़ है वो ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद में इनका ये कहना है कि देखो मिलिट्री में खर्चा बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, हम जो खर्चा कर रहे हैं अगर उसको मैनेज कर लेंगे तभी हमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अगर हम खर्चा बढ़ा देंगे और करप्शन और ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो इसका तो उल्टा निगेटिव इफेक्ट ही पड़ने वाला है। तो बेटर ये होगा कि हमें एक स्मार्ट सोल्जर्स उनकी नीड है, मतलब हमें क्वालिटी की जरूरत है ना कि क्वांटिटी की। हमें हथियार बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे वेपन चाहिए कि एक ही वेपन से हम काफी सारे लोगों का मतलब काफी सारे जो लोगों का मतलब यहाँ पे काफी सारी लड़ाई जीत सके। मतलब हमारे पास स्मार्ट वेपन्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि पुरानी तकनीकी बंदूकों पुरानी तकनीकी वेपन्स वगैरह हो। हमारे पास जो भी चीज हो वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए ना कि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमें चीजें देखनी चाहिए। इसके बाद में बात ये की जा रही है कि देखो जो भी रिसोर्सेज है ना उनको प्रॉपर ढंग से यूज कर लेना चाहिए। सबसे पहले अभी इश्यू क्या आता है, देखो आप एक चीज़ देख सकते हो कि हमारे देश में जो मिलिट्री वगैरह के जो ऑफिसर्स वगैरह हैं इनके पास गोल्फ के बड़े बड़े मैदान वगैरह होते हैं या फिर इनको काफ़ी फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती हैं। और तो राइटर का ये कहना है कि भाई वो फैसिलिटीज़ किस काम की हैं, डिफेंस सेक्टर में उन चीज़ों की कोई जरूरत ही नहीं है, वो फालतू का खर्चा आप क्यों कर रहे हो, उन खर्चों को आप हटाओ ना वहाँ से, जहाँ जरूरत है खर्चा वहाँ पे करना चाहिए आपको। इन ये चीज़ें फालतू के खर्चे बढ़ाते रहोगे तो ऐसे तो आप बजट कितना भी बढ़ा दो कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिलने वाला। तो लास्ट में आता है बैलेंस पॉइंट, तो बैलेंस पॉइंट वाले भाई साहब कैसा करना है कि देखो बिल्कुल सही बात है कि हमें खर्चा भी बढ़ाना है, बट खर्चा बढ़ाने से पहले सबसे अहम बात वो ये है कि हमें जो हमारी डिफेंस सेक्टर में जो मिसमैच हो रखा है ना, मतलब जो काफ़ी असंदिग्धताएं हैं देखा जाए तो खर्चे में काफ़ी मिसमैनेजमेंट है उनको हमें दूर करना होगा। और नेता लोग क्या है कि बार ऐसी टूटी पूंजी पॉलिसी बना देते हैं और फिर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई ये डिफेंस सेक्टर का काम है हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते। इसके बाद में कहा जा रहा है कि राइटर का ऐसा कहना है कि देखो सबसे बड़ी बात यह कि हमें खर्चा बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, इसका पता तो हमें तभी चलेगा जब हम एक नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू है वो करवाएं। जब नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू होगा तो हमें रियलिटी सामने आएगी, हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ तो हम वीक हैं और कहाँ कहाँ हमें खर्चे की जरूरत है और अभी हम खर्चा कहाँ कर रहे हैं और कितनी हमें डिमांड है, मतलब सब कुछ क्लियर हो जाएगा रिव्यू में कि भाई हमें क्या क्या करना है। उसके अकॉर्डिंग हमें फिर स्टेप उठाना होगा और फिर देखना होगा कि भाई हम कितने वेपन्स वगैरह लें और क्या लें। हमें लोगों को ट्रेनिंग वगैरह भी देनी है, तो जो मेन सोल्जर्स हैं जो गिने चुने जिनको जो टॉप क्वालिटी के सोल्जर्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी है, ऐसा नहीं कि सभी लोगों को आप ट्रेनिंग देने बैठ जाओ आर्मी में। इसके बाद में बात ये की जा रही है कि देखो हमारे देश की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, अभी हमारा देश गरीबी से जूझ रहा है और भी काफ़ी सारी है, तो इसलिए हम सारा खर्चा ही एक तरीके से मतलब डिफेंस सेक्टर पे नहीं कर सकते, हमारी इकोनॉमी भी काफी अहम हो जाती है, तो हमें रिव्यू करके पता करना चाहिए कि अभी हम है कहां पे, क्योंकि आज की हालात काफी चेंज हो गए हैं। इसके बाद में बात ऐसी है वो लास्ट में ये भी इनका भी ऐसा ही कहना है कि भाई देखो हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी ऑफ वेपन्स है उनकी जरूरत है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ रोबोटिक हुई इन सारी चीजों का डिफेंस सेक्टर में यूज करना चाहिए तभी हमें और भी अच्छे रिजल्ट्स है वो मिलेंगे। लास्ट में एक आर्टिकल और है, लास्ट का जो आर्टिकल है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। तो इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यूपीएससी मेनली प्रीलिम्स में भी पूछ सकती है और मेंस में भी। देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है,
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये होता है कि सुप्रीम जो हमारे देश की न्यायालय वगैरह है, अगर उसके जो भी रूल ऑर्डर्स हैं अगर उनकी हम अवमानना करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे देश के न्यायालय हैं वो एक्चुअली हमें सजा वगैरह दे सकते हैं। हमें मतलब एक तरीके से कोई भी जो भी जिस तरीके से हमने कोई भी क्राइम किया है, हमारे जितनी हमने अवमानना की है उसके अकॉर्डिंग हमें सजा है वो मिल सकती है। मतलब सीधी सी बात यह है, अगर हम न्यायालय की किसी भी बात का उल्लंघन कर रहे हैं या फिर न्यायालय के किसी भी काम में बाधा डाल रहे हैं तो हमें एक्चुअली वहां पे पनिशमेंट है वो मिल सकती है। इसको लेके अब देखो दो तीन फैक्ट्स आपको बता दूं। सबसे पहला तो यहाँ पे है कि कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट है वो एक्ट आया था। कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट है वो एक्चुअली 1971 के टाइम पे आया था, और इसमें एक्चुअली एक प्रावधान इंपॉर्टेंट ये था कि कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट का मामला है ना वो एक्चुअली या तो हाई कोर्ट के पास होती है इसकी पावर या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर नहीं होती है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मान ली दो टाइप के होते हैं, मतलब दो तरीके में आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो हो गया सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ले सकते हो, और एक हो गया क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये होगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश दे दिया कि भाई आपको ऐसा काम करना है, और उसके बाद आप उस आदेश को नहीं मान रहे या कोई भी इंसान उस आदेश को नहीं मान रहा है, तो वो हो गया सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये होगा कि जुडिशियरी के किसी काम में बाधा डालना या फिर जुडिशियरी का अपमान करना, जुडिशियरी को कुछ भी वर्ड मतलब ऐसे लगे कि भाई जुडिशियरी की जो स्वतंत्रता है जो इंडिपेंडेंट है वो कहीं ना कहीं हर्ट हुई है, तो उसको बोलते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो अभी आर्टिकल में कंटेक्स्ट तो ये था कि भाई जो इसमें जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात है ना, इसमें एक्चुअली स्कैंडलाइज लिखा वर्ड है, एक्चुअली मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड लिखा हुआ वो लिखा हुआ है स्कैंडलाइज। इसके बारे में अभी लॉ कमीशन ने ऐसे बोला कि भाई जो ये स्कैंडलाइज जो वर्ड है काफी असंदिग्ध भरा हुआ है, इसलिए आप इसको हटा दीजिए। तो राइटर का ऐसा कहना है कि देखो बात ऐसी, ये वर्ड नहीं हट सकता, अगर आप इसको हटा भी दोगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है, वो कौन सी है, आर्टिकल 142, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को अनलिमिटेड मतलब काफी ज्यादा पावर हो मिलती है। और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के तहत ये पावर है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो जो मेथड है कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट की जो पावर है उसका यूज है वो कर सकते हैं। और एक चीज में इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों एक्चुअली एक साल तक ही लगा सकते हैं। जिस प्रकार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसको एक साल तक के केस ही वो लेने होते हैं, एक साल से पुराने केस वो नहीं हैंडल कर सकती, उसी तरीके से जुडिशियरी के पास भी लिमिट होती है कि भाई वो एक साल के अंदर अंदर ही एक्शन ले सकती है। ऐसा नहीं कि आज हम कुछ कहें और 5 साल बाद में सुप्रीम कोर्ट में बोला कि नहीं भाई आपने 5 साल पहले ऐसे बोला था, वो वाली बात नहीं है, विद इन 1 ईयर ही एक्शन है वो ले सकती है। ये भी ध्यान रखना कि हाई पावर है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह के पास किसी पग के पास ऐसी पावर है वो नहीं होती है। तो ये कुछ बेसिक चीज थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में जो हमें प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए। मेनली मेंस के लिए तो इसमें कुछ पॉइंट थे नहीं, तो प्रीलिम्स के लिए थे यहाँ पे, तो हमने इसको आर्टिकल फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।